समीना बेग, वो कहते हैं जी इमरान खान ने अपनी आलिया तकरीब में बताया कि उनकी जाली नाजेबा वीडियोस जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार की जा रही है, जिनकी मदद से उनके कद काठ और मकबूलियत को कम करने की कोशिश की जाएगी। पूछना यह है कि मुखालिफीन का कोई ऐसा शर्मनाक इकदाम इमरान खान की मकबूलियत को वाकई कम कर सकता है? तो समीना बीबी, ये जिन लोगों ने कभी बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा, वो असूलन उनकी बहनों जैसी थी और उससे भी कई हाथ आगे माओं जैसी बेगम नुसरत भुट्टो, उनकी टेम्पर्ड या मकाना किस्म की तस्वीरें जहाज़ों से फेंकवाई, उनकी कौन देखे सुनेगा? और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में जब इस तरह की फेक वीडियोस ये वो वगैरह उसका सैलाब आया हुआ है, ये जो सैलाब जिसने हमारे करोड़ों हमवतनों को बेदर बेघर किया, ये तो रुक जाएगा, लेकिन ये अब सोशल मीडिया पे इस तरह का जो गंद है, और ये वो लोग हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी बात पे इनको किसी किस्म का कोई तरद्दुद, कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत, तो यही है ना नवाज शरीफ साहब जो कहा, जिन्होंने असेंबली में कहा था कि जी जनाब स्पीकर ये हैं वो उधर आए, वो कितने का इधर आए भाई? अच्छा वो बीबी के मेरे तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, तो बाहर क्या होनी है? फिर इस तरह की लातादाद बातें, मतलब बाप बेटी ये पूरे का पूरा ख़ानदान जिस तरह ये एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो वो इन्होंने आज तक कभी माजरत की भी ज़रूरत नहीं समझी जो कुछ इन्होंने किया। और जिस तरह का ज़माना है आजकल, तो इस तरह की चीज़ों को देखना भी नहीं चाहिए, सच्ची बात है, इनको कतन पर एक आज इतनी वक्त नहीं है, सही है गलत है बात ये तो समझ ही नहीं आती। मैं तो कभी किसी चीज़ पे कमेंट ना करूं, उसकी वजह मुझे क्या पता, मैं कोई एक्सपर्ट हूं, ये फेक है नहीं है, मेरी कोई लैब है या एक्सपर्टीज़ है, मेरी कोई तरबियत है? नो, तो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट।